के खबरों का देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल से धारी देवी यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ विधिवत पूजा कर किया गया। वह यात्रा की मेजबानी कर रहे आचार्य सुंदर सुंदरियाल ने बताया कि धारा देवी की यात्रा देहरादून से प्रारंभ होकर डोईवाला से होते हुए हरिद्वार में 15 तारीख को मकर संक्रांति के पर्व पर मां भगवती स्नान करेंगे। उसके बाद डोली आगे बढ़ती हुई यूपी के अनेक राज्य से होती हुई प्रयागराज पहुंचेगी। उसके बाद डोली विधिवत तरीके से देहरादून पहुंचने पर विराम होगा। ये कार्यक्रम आज नगर निगम टाउन हॉल से यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और सभी भक्तों के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और ये आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है। अभी दोपहर में इसने डोईवाला मंदिर में पहुँचना है, रात्रि को भानियावाला में इसका विराम है, त्रियुगी नारायण फार्म हाउस में, बिष्ट निवास में। उसके बाद फिर इसके आगे 14 तारीख को छिद्रवाला, रायवाला और रात्रि को कालू सिद्ध मंदिर में विराम। 15 तारीख को मकर संक्रांति में भगवती स्नान करेगी, उसके बाद रुड़की, रात्रि को रुड़की होगी। उसके बाद 1 तारीख को हमारा मंदिर भ्रमण, 31 तारीख को मंदिर भ्रमण है। 1 तारीख को ये देव डोली श्रीनगर से माँ धारी देवी के मंदिर में पहुंचेगी और 2 तारीख को इसका रोड प्रसाद काटने के बाद इसकी यज्ञ का विराम होगा और फिर वापस ये नेहरू कॉलोनी पे पहुंच जाएगी। हल्द्वानी के जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर में जल्द यातायात पटरी पर दिखाई देने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए जीएम सविन बंसल ने हल्द्वानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए वन वे प्लान तैयार किया है। मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि हल्द्वानी शहर के हैवी ट्रैफिक वाले इलाके में वन वे मूवमेंट चलाया जाएगा। इसके अलावा हल्द्वानी नैनीताल मार्ग में पड़ने वाले 7 कट बंद किए जाएंगे। इसके अलावा सड़क किनारे लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि इससे आप जाइए और इससे आप आइए तो बहुत स्मूथ रहेगा, लोगों को पता रहेगा कि हम इजीली इससे जा सकते हैं, इससे आ सकते हैं। कमलवा गाला पश्चिम चला होते हुए ये लाल डांग वाली रोड से जाके निकलना चाहता है। हल्द्वानी महानगर की एक मेजर समस्या है ट्रैफिक की, उस जिसमें हमारे खनन वाहनों से लेकर स्कूल वाहन, वृद्धजन, बच्चे, महिलाएं प्रभावित होते हैं। सो इसके दृष्टिगत हमने पिछले 5 महीनों में 3 बार अपनी सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग्स की थी और उसमें ट्रैफिक पुलिस से, हमारे एआरटीओ और पीडब्ल्यूडी से जो सुझाव आए थे उसमें प्रथम चरण में ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ जगह जो अनावश्यक कट्स हैं हमारी मेन रोड्स पर उनको हम बंद करेंगे। युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन थीम पर चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह में देहरादून कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी अरुण मोहन जोशी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से पूरे सप्ताह भर सड़क सुरक्षा अभियान को चलाएगा। देहरादून में एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने छात्रों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया व छात्रों ने फूल देकर एसएसपी का स्वागत किया। साथ ही एसएसपी ने लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि लगातार ट्रैफिक को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान स्थानीय कोतवाली पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर जाकर ड्राइवरों को पैम्पलेट बांटे और सड़क सुरक्षा के प्रति जानकारी भी दी। बताते चले कि 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं लालकुआ कोतवाली पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में सुझाव भी मांगे हैं। इधर परिवहन विभाग के एआरटीओ गुरुदेव सिंह ने बताया कि 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहन चालकों से लेकर वाहन स्वामियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
दिनेशपुर में उत्तरायणी पर्व के उपलक्ष्य में एक समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित कई रंगारंग कार्यक्रम और गीत प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गीत प्रस्तुत कर पर्वतीय संस्कृति को धरातल पर लाने की कोशिश की गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष खरक सिंह कारकी ने कहा कि आजकल हर जगह हर जाति हर धर्म के लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए उस पर चलते हुए कई कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार एवं गायकों को उत्तराखंड की संस्कृति के आधार पर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसकी सभी ने सराहना की, जिससे हजारों की संख्या में जनसैलाब लोगों का उमड़ पड़ा। तो वहीं चंदन सिंह नयाल ने कहा कि हमारे उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और पहाड़ से आकर जो हमारे तराई में निवास कर रहे हैं उन नौजवानों को अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए जगह जगह उत्तरायणी पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराया जा रहा है। हर जगह पर अपने अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचा रखने के लिए हर जाति धर्म के आदमी अपनी संस्कृति पर चलते हैं। उसी परिवेश में उत्तराखंड में इसको भव्य रूप से मनाया जाता है। खास करके हम उसको घुघुतिया त्यार बोलते हैं अपनी भाषा में। तो यह जनसैलाब जो आज यहाँ पर उमड़ा हुआ है, इसमें लगभग पर्वतीय मूल लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। हमारे इस उत्तराखंड में हमारी संस्कृति अपनी कुमाऊनी या गढ़वाली उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त तो होते जा रही है। इसी के मद्देनज़र देखते हुए नौजवानों को और यहाँ के जो पहाड़ से तराई में आ चुके हैं, प्रवास कर रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए तो जगह जगह पर हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं ताकि वो अपनी संस्कृति को ना भूलें। उधम सिंह नगर के किक्षा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 दिन से लापता एक युवक की लाश बोरे में बंद नाले के किनारे मिली। लाश मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया। बता दें कि किक्षा कोतवाली क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से घर से गायब चल रहे एक युवक का शव सोमवार को बोरे में बंद नाले के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस के साथ ही फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, ये दरोह चौकी का मामला है। यहाँ पर 2 दिन पहले एक युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वहाँ पर उसकी चप्पल वगैरह मिली थी, तो पुलिस द्वारा उसमें गुमशुदगी दर्ज करके उसमें तत्काल खोजबीन की गई। तो आज उसकी बॉडी नाले से प्राप्त हुई है। नाले में एक बोरे में उसकी बंद थी, उसकी शिनाख्त कर ली गई है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में उसमें आगे और कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टिया ये मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा है। उसमें क्या रंजिश थी, क्या कारण थे, उसके कारणों के ऊपर छानबीन कर रहे हैं। टीमें बना दी गई है और जल्द ही उम्मीद करते हैं घटना खुलासा करेंगे। साफ सफाई और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को लेकर नगर निगम कोटद्वार कितना गैर जिम्मेदार है, इसका अंदाजा शहर से सटे झूला बस्ती के पास कचरे के पहाड़ और इधर उधर फेंके जा रहे कूड़े के ढेरों से लगाया जा सकता है। सूखा और गीला कूड़े को एक ही जगह पर फेंकने से उठने वाली दुर्गंध के कारण संक्रमण रोग और महामारी होने की संभावना बनी हुई है। वह स्थानीय निवासियों ने तहसील परिसर में पहुंचकर नगर आयुक्त योगेश मेहरा से इस कचरे के ढेर से उठती दुर्गंध से निजात दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा और कहा कि जैसे ही यहां कचरे की गाड़ियां कचरा फेंक के जाती हैं, पशु पक्षी अपने भोजन की तलाश में जुट जाते हैं और कचरा तथा पॉलिथीन खाकर अपना पेट भरते हैं, जिसके कारण पशु बीमार होकर मर जाते हैं। अगर जल्द ही इस समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि स्ट्रेचिंग ग्राउंड के पास कुछ पशुओं की डेड बॉडी फेंकने के संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मैंने बता तो दिया उनको, यहाँ गाय मरी हुई है, 15-16 गाय ऐसी स्थिति में है, पूरी सड़ रही है, पूरा दम से झेल रहे हैं हम। यहाँ पे महामारी बनी हुई है। यहाँ पे आज 17 गौवंश यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनको कि ओपन में डाल दिया गया है, कोई देखने वाला नहीं उसको। और पशु पक्षी परभक्षी आ रहे हैं, वो खा के हमारे मकानों के ऊपर आस पास में पूरा गिरा रहे हैं उसको, जिससे कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी होगी यहाँ पे ये जो स्थिति बनी हुई है ये भयावह हो जाएगी, महामारी हो जाएगी और हम मरने पे आ जाएंगे। वह लोग कहते हैं कि आप
पानी को शुद्ध रखे। आप देखिए यहाँ पे खो नदी में इस कूड़े को यहीं पे डाला जा रहा है, आप देखिए खुद। और वो खो नदी में जब जाएगा तो ये नदी को प्रदूषित करेगा, इसके बाद गंगा प्रदूषित। एक तरह हम कहते हैं स्वच्छता मिशन लेके हम चल रहे हैं, और दूसरी तरफ आज यह स्थिति बनी हुई है कि हम खुद उस प्राणदायी गंगा को जहाँ उद्गम स्थल है वहीं से हम उसको दूषित कर रहे हैं। कुछ पशुओं को की डेड बॉडी को वहाँ पे फेंकने का कुछ मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। यदि इसमें भी चूंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नगर टंचिंग ग्राउंड में फेंके गए जो पशु हैं वो नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण फेंके गए हैं या किसी व्यक्तिगत तौर से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वहाँ पे फेंके गए, इस पर जाँच जा रही है। जब जाँच हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें कुछ कह पाएंगे। राजधानी दून के नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक है। इस तिथि तक टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। इस छूट के चलते नगर निगम में भारी तादाद में लोग लाइनों में लगे हुए हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर टैक्स जमा करने के काउंटर को लेकर लोगों में खास आक्रोश है। हालांकि नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि पहले से ही हमने टैक्स जमा करने के लिए 3 काउंटर बना रखे हैं और भीड़ को देखते हुए 1 अतिरिक्त कैश काउंटर और खोल दिया गया है, जिससे लोगों को कम परेशानी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाउस टैक्स ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। टैक्स में छूट 15 जनवरी तक है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देहरादून वासियों से अपील कर रहा हूं कि 15 जनवरी तक उनको ऑनलाइन सुविधा भी है, यहां कैश काउंटर भी खुले हैं, राजपुर रोड पर भी हमारा काउंटर है, आकर वो जमा करें ताकि 20% छूट का लाभ लें। 15th के बाद ये छूट उनको नहीं मिलेगी तो उनको अनावश्यक ज़्यादा धन जमा करना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर हम लोग 3 काउंटर खोले थे, काउंटर हम और बढ़वा रहे हैं, 2 काउंटर और लगवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, तो हमारा प्रयास है कि जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खराब मौसम की वजह से बर्बाद हुई फसलों पर आपदा या किसी अन्य मद से कोई कार्रवाई न होने पर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार गदरपुर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए युवा कांग्रेस के नेता मन्नू चौधरी ने कहा कि किसानों की फसलें खराब मौसम की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। वही बीमा कंपनियों पर इस पर आंख मूंदे हुए नियमों के अनुसार क्षेत्र के 80% फसल बर्बाद होने पर ही क्लेम दिया जा सकता है, जबकि एक ही किसान से 2 तरह की बीमा प्रीमियम वसूला जाता है, जो कि गलत है। वही एक पीड़ित किसान ने कहा कि उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वह 56 के छोटे किसान हैं, जिस पर अब कोई भी फसल नहीं हो पा रही। वही गदरपुर तहसीलदार इस पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तहसीलदार भुवन चौधरी ने कहा कि बीमा कंपनियों के नियमों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। आपदा के तहत यदि कोई राहत किसानों को मिल सकती है तो वह अपने कार्यालय के स्तर से उपलब्ध कराएं। ज़्यादा मुझे कोई उसकी जानकारी है नहीं, और केवल जो हमारे दैवीय आपदा के अंदर अगर 50% से ऊपर फसल क्षति होती है तो हम सर्वे कराते हैं, अपना रिलीफ पटवानी बनती है, पटवारी के माध्यम से पूरी रिलीफ पटवानी तैयार होती है, और उसके बाद भी जो भी है नियमानुसार उनको जो राहत दी जाती है उसमें क्षति फसल क्षति के संबंध में वो प्रदान की जाती है। जो पूर्व बरसात में रबी की फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो मटर की फसल है, सरसों की फसल है, आलू है, गेहूं भी है, उसमें जो किसानों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन के द्वारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसा काटा जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए आज हमने यूथ कांग्रेस की तरफ से किसान भाइयों के सहयोग के लिए आज ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। बेरीनाग थल क्षेत्र में लंबे समय से हो रहे अवैध खनन की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए थल में तहसीलदार ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में राजस्व पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया। दरअसल टीम ने नाशरी मार्ग से आ रहे टिप्पर को रोका और उसमें भरी रेत के कागज दिखाने को कहा, तो वाहन चालक कागज नहीं दिखा पाया, जिस पर तहसीलदार ने मौके पर ही वाहन को सीज कर थल थाने के सुपुर्द कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा, खनन करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जी।
जो ये सूचना थी, इसी सूचना के तहत हमने टास्क फोर्स गठित की है। हम दिन में और रात पूरी गश्त करते हुए पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग सभी के साथ मिलते हुए अवैध खनन के पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके तहत हमने पहले भी वो करी और रात में भी गश्त करते हुए हमने कल भी इस पर सीज किया है टिप्पर, और पहले भी ये रहते हुए एक टिप्पी का सीज किया हुआ है, और ये रेगुलर रहेगा और अवैध खनन हम नहीं होने देंगे किसी भी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Mount Literacy School, Unnao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure ke saath, Mount Literacy School, Unnao. उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है। ये है पिरूल यानी चीड़ की पत्तियों से ऊर्जा उत्पादन का काम। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ औद्योगिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों, वन पंचायतों और महिला मंगल दलों को इस प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फायदा है, सरकार ने जब से हमें पिरूल दिए, पिरूल के बाद दिया, तब से हम बेरोजगार नहीं थे, पहले बेरोजगार थे, अच्छा हो रहा है। जब से प्लांट चला है हमें फायदा भी हुआ है, हम बच्चे का रोजगार भी कर रहे हैं और हम मुख्यमंत्री से धन्यवाद भी बोलना चाहते हैं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पिरूल प्लांट लगाने वालों को MSME नीति के अंतर्गत अमूल्य अनुदान के साथ साथ बैंकों से संपार्श्विक अनुदान के बिना ऋण मिल रहा है। त्रिवेंद्र सरकार ने पिरूल एवं अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति के तहत 1060 किलोवाट की 36 योजनाओं का आवंटन किया है। साथ ही 2000 मीट्रिक टन क्षमता के दो ब्रिकेटिंग प्लांट निजी विकासकर्ताओं को आवंटित किए गए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जो है मुझे भी प्लांट मिला है, और UPCL का भी बहुत बहुत आभारी है हम लोग कि UPCL हमसे बिजली खरीदेगा और हमको रोजगार देगा। ये बहुत फायदेमंद है, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। जो पिरूल नीति है उससे हमारा अनेक तरह के उसके जो कहेंगे बहुआयामी परिणाम होंगे। एक तो पिरूल से सीधा उसको गैसी फायर में डाल करके सीधा उससे बिजली पैदा करना, सेमी प्रोसेस करके उसमें से तारपीन का तेल निकालना, जो बायोमास बचेगा डीजल उससे बनेगा। योजना के तहत अब तक अल्मोड़ा में 11, पिथौरागढ़ में 6, नैनीताल में 5, पौड़ी और चंपावत में 3-3, उत्तरकाशी में 8, चमोली और टिहरी में 1-1 प्लांट आवंटित किए गए हैं। समग्र विकास की ओर उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए पूर्व में कांग्रेस शासन द्वारा की गई घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद से हाईकोर्ट के निर्देशों पर बस्तियों को हटाने की कवायद के चलते इस पर खूब राजनीति राजधानी में देखने को मिली थी। लेकिन अब नगर निगम द्वारा बस्तियों के मालिकाना हक के लिए चिन्हीकरण किया जा चुका है। मामले की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि नगर निगम की ओर से सभी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं, जल्द ही मालिकाना हक के लिए घोषणा की जाएगी। इसके तहत जो भी दिशा निर्देश होंगे उनको अवगत करा दिया जाएगा। हक देने का निर्णय जो है वो सरकार के स्तर पर होना है, क्योंकि कई पार्षदों की ये एक भावनाएं थी, तो नगर निगम ने इस संबंध में अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है और पारित करके ये शासन को हम भेज रहे हैं। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम भारत सरकार की कब आएगी ये कोई जानकारी मिलती नहीं है।
जहां एक ओर देश की बढ़ती प्याज की कीमतों से आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में केंद्र सरकार को घेरने की बात लगातार चल रही है, वहीं शासन के आदेशों के अनुसार जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा सस्ते राशन गल्ले की दुकान पर आम जनता को एक कार्ड पर 2 किलो प्याज 48 के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है। देहरादून जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि बाजार में काफी मात्रा में प्याज आ गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेशों के अनुसार सभी राशन डीलरों को प्याज उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे कि आम जनता को काफी राहत मिलेगी। १८८० में ब्रिटिश शासन काल में तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया भीमताल डैम इंद्रो खस्ता हाल हो गया है। डैम में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और जगह जगह से पानी रिस रहा है, जो आने वाले किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। लेकिन वही प्रशासन किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। नैनीताल जिले में स्थित भीमताल झील बहुउद्देशीय है। भीमताल झील का महत्व सिर्फ पर्यटन तक ही सीमित नहीं है। यह झील नैनीताल जिले की एक ऐसी झील है जो स्थानीय नहीं बल्कि हल्द्वानी के साथ तराई के कई इलाकों में गर्मियों के दौरान लोगों की प्यास बुझाती है। साथ में सिंचाई के लिए इसके पानी का प्रयोग किया जाता है, जिसका सारा दबाव भीमताल के इस डैम पर पड़ता है। गौरतलब है कि भीमताल झील का महत्व सिर्फ पर्यटन से ही नहीं है बल्कि हल्द्वानी और तराई वाले भूभाग को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। साथ ही स्थानीय लोगों की भावना इस झील से जुड़ी हुई है। लेकिन हाँ, देखते देखते 135 साल के आसपास का होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ईश्वर कोई ध्यान नहीं दी है। इसमें जगह जगह कई जगह इसमें पानी लीकेज हो रहा है और दरारें पड़ी हुई हैं, जबकि कई दशकों से भीमताल वासियों की मांग है कि इस डैम का पुनर्निर्माण किया जाए, क्योंकि आज ये डैम एक पर्यटन दृष्टि में भी आता है, पर्यटन के लिए बना हुआ डैम है। विक्टोरिया डैम जो भीमताल शिव मंदिर के समीप जो डैम है उसकी आयु 100 वर्ष पूरी हो चुकी है और उसमें जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और उससे खतरा बना हुआ है। इसकी मरम्मत की ज़रूरत है और इस ओर राज्य सरकार और आपको जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको एसएसपी के निर्देश पर सितारगंज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस ने जनता फॉर्म तिराहे पर संदिग्ध अवस्था में खड़े 2 अभियुक्तों को पकड़ा। तलाशी लेने पर दोनों अभियुक्तों के पास से 30 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने थाने जाकर मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेजा है। कोतवाल सलाउद्दीन ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जो दोनों जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी चलता रहेगा। अभियान चला है, उसी अभियान को भार देते हुए आगे बढ़ाते हुए कल फिर चेकिंग है सायंकालीन जनता फार्म पर। दो लोगों को जो शायद स्मैक के सप्लायर हैं, जनपद बरेली के रहने वाले हैं, थाना शाही के एक जली सावन और मुनीश कश्यप, इनसे 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। दोनों कल गिरफ्तार किया गया और यहाँ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उन्हें आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। ये अभी शिद्दत के साथ जारी रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घने कोहरे के कारण ठंड का असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। दिन में ही सड़कों पर चलने वाले वाहनों को लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। घने कोहरे के कारण फसलों पर भी इसका खास असर देखने को मिल रहा है। NH-58 मार्ग पर भी वाहनों के पहिए जाम हो चुके हैं। कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है। वही बढ़ती ठंड से आम आदमी के साथ साथ पुलिस को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जो है NH-58 पर खड़े हैं, जैसे कि मेरे पीछे देखा जा सकता है। NH-58 पर
हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ कम वाहन गुजर रहे हैं और वाहनों को यहाँ चलने के लिए जो लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगलोर। और इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।